साथियों, मैं परमानंद यादव आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुल्तानपुर जिले में बनमई गांव के यादव वंश विभूषण कवि शिरोमण परम पूज्य गुरुदेव श्री माधव राम जी का 22 अगस्त रक्षाबंधन के दिन निधन हो गया। और उनके दुनिया छोड़ने के बाद बाबूजी जिसने भी सुना ये खबर वो अवाक रह गया और दर्पित हो गया, आंखें नम हो गईं। और आज आप लोगों के बीच में शिष्य के द्वारा श्रद्धांजलि गीत समर्पित किया जा रहा है। कविता की मड़ी और मोती लुटा के सजा करके गीत गौरो गरिमा की डाली। ज्ञान सुमन सौरभ को चौमुख उड़ा कर उजागर किया तेज महिमा कमाली। कलम जिनकी तूफान बनकर चली है जली ज्योति है जिसकी जग में निराली। अरे मुंह मोड़ करके चले पूजे माधो राणा की दुनिया बिना गुरु के खाली। बाबूजी कलम का कमाल है कि चार लाइनों में ऐसी अनुपम छटा भर दिया गया है कि उस कलम को हम कोट कोट नमन और वंदन करते हैं। धीरज का धर आ, धीरज का धर टूटा तो आसमान रो पड़ा। धीरज का धर टूटा तो आसमान रो पड़ा। गुलशन की वादियों में तू फान रो पड़ा। धरती का सीना फट गया रवि को समेटते सपना संवर के बिखरा तो अरमान रो पड़ा। बाबूजी भारत भारती के द्वारा सम्मानित नवाजे गए सुल्तानपुर रत्न से पूज्य माधव जी जिन्होंने श्यामचरित मानस जैसे ग्रंथ की रचना की, जो
जो कि युगो युगांतर तक उनका नाम रोशन होता रहेगा और हर पुरुष के हर व्यक्ति के जवान पर कभी न कभी उनका दोहा शायर छंद जो भी भगवान मुरली मनोहर कन्हैया के बारे में उन्होंने ग्रंथ लिखा वो सदैव अमर हो जाएगा। कहना है कि माधव के तेजी पुंज को कैसे समन करूं, किस्मत पे अपने गम जदा, किस्मत पे अपने गम जदा सम शान रो पड़ा, बाबूजी आज समस्त शिष्यों के अंदर ज्ञान की ज्योति भर कर उन्हें सच्चा रास्ता दिखाया और उनके निधन पर बाबूजी कहने का मतलब है कि कितना भी पत्थर दिल वाला इंसान न हो वो भी पिघल गया और उसका दिल रोने लगा, आंखें नम हो गईं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे आसमान वो बादल भी बाबूजी जब हमारे गुरुदेव जी की चिता में आग लगाई गई तो 5 मिनट तक मारे गम के उनके तेज पुंज से प्रभावित होकर के 5 मिनट तक अपनी आंखों से आंसू गिराता रहा। ऐसे सुल्तानपुर के अनुपम हीरे को हम तहे दिल से हृदय की गहराइयों से सदैव कोट कोट नमन वंदन करता रहूंगा। और बाबूजी अपने अखाड़े के जो हमारे गुरु भाई हैं वो तो आए भी, उन्होंने आंसू बहाया तो जरूर, लेकिन जो अन्य अखाड़े के बहुत बहुत दूर से पूर्वांचल से चल करके लोग उनके दर्शनार्थ उनके दरवाजे तक आए और अपनी अपनी श्रद्धांजलि दिया गदगद कंठ से, धन्यवाद है वो धरती, धन्य है वो बनमई की पवन माटी जिन्होंने ऐसे आधुनिक व्यास जैसे बुद्धिमान ज्ञानी महापुरुष को पैदा किया। आगे आप देखेंगे एक बड़ी अच्छी बात आप सबको सुनने को मिलेगी। 2007 में ठीक जन्माष्टमी के दिन जब वो सो रहे थे तो उनके इष्ट देव सदा से ही बजरंगबली थे, बजरंगबली की हमेशा पूजा करते थे और साथ में भोले बाबा की भी पूजा करते थे। और ठीक जन्माष्टमी के दिन वो सोचते रहे कि हम क्या लिखें, मैं कोई ऐसा ग्रंथ लिखूं कि जिससे सदैव सदैव अमर हो जाए, लेकिन बाबूजी एक भी शब्द हेडिंग के रूप में उनके दिमाग में नहीं आया तो वो सो गए। और उसी चिंता में जब सो गए तो मुरली मनोहर भगवान कन्हैया की बंसी बजी और उनके कानों तक पहुंचती है स्वप्न में, और वो नाम उस मुरली की बंसी की तान से एक संदेश मिला, जब वो जगे तो वो शब्द उनके दिमाग में आया, उसका नाम उन्होंने रखा श्यामचरितमानस। आइए देखें आगे क्या कहना है, कवि की लेखनी क्या कहती है। कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जहां गगनवा चमकेला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जहां गगनवा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जहां गगनवा चमकेला, और सुंदर गांव बनमई गुर के जहां जहनवा चमकेला, सुंदर गांव बनमई गुर के गुर के
वाले दोस्त, ये धरती इस पावन भूमि पर बाबूजी, हिंदुस्तान की पावन धरती पर, वसुंधरा पर, ऐसे ऐसे मनीष मनीषी और ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे ज्ञानी ध्यानी पैदा हुए कि अपनी कलम के द्वारा सब कुछ बाबूजी प्रदर्शित करते हैं। और देखें, गुरुजी के परिवार के बारे में थोड़ा सा परिचय हम बताना चाहते हैं गाने के माध्यम से कि राम बरन यो देवपति कै कुसुमित भय फुलवारी, राम बरन यो देवपति कै कुसुमित भय फुलवारी, बड़का लड़का माले छोटका, बड़का लड़का माले छोटका, माधव भये हजारी मोहन मदन मुरारी, माधव रूप ललनवा चमकेला मोहन मदन मुरारी, जी कोटि कोटि नमन वंदन है हमारे गुरुदेव जी के, पिता श्री राम बरन और माता देवपति, जिनकी कोख से ऐसे महात्मा का जन्म हुआ, जिनके दर्शन से बाबूजी आत्मा को संतुष्टि सदैव मिलती रही है और उन्हीं के द्वारा शिष्यों के अंदर ज्ञान की ज्योति फैली है। तीन पुत्र चार नाती माले की गोद हर साथी, तीन पुत्र या चार नाती माले यादव की थाती, अरे माधव के भय पवन पुत्र जब गीत कोयलिया गाती, और नाती मानस कंज दुलारा बीच अंगनवा चमकेला, नाती मानस कंज दुलारा बीच अंगनवा चमकेला, नाती मानस कंज दुलारा बीच अंगनवा चमकेला। बाबूजी बड़े कष्ट की बात है कि गुरुदेव के जीवन में ऐसा तूफान इनकी जिंदगी में आया कि इनके परिवार के एक एक लोग, भाई से लेकर भतीजे तक, इन्हीं के आंखों के सामने दुनिया छोड़ करके सदैव सदैव के लिए चले गए। लेकिन एक दुखद मंजर ऐसा आया कि गुरुदेव जी ने सोचते रहे कि हम कैसे भुलाएं इस बच्चे को जिसका नाम समरजीत है और प्यार से लोग सोनू कहते हैं। जब वो सबका साथ छोड़ दिया हमेशा के लिए, तो गुरुदेव नहीं भूल पाए बाबूजी। तब से उनकी तबीयत धीरे 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 गिरती गई और तकलीफ इतनी बढ़ गई कि जिस दिन इनका देहावसान हुआ, सारे दिन बाबूजी जब भी ये चलने की कोशिश किए तो लड़खड़ाते रहे, और शाम की बेला जरा सा ठोकर लगा और दरवाजे में गिर गए बाबूजी। मुंह में इनके इतनी चोट लग गई कि गिरने के बाद ये पुनः बोल नहीं पाए और पिंजड़े से पंछी जो है सदैव के लिए फरार हो गया, पंच तत्व में इनकी आत्मा विलीन हो गई। आगे देखें, धन्यवाद है उस हमदेवा की माटी को जिन्होंने अपनी कलम से संवारा है। राज बहादुर राणा जी को सत सत नमन है। कहना है, अरे देवपति नंदन अमालेक भैया, अरे देवपति नंदन अमालेक भैया, बजाए बसुरी हो जदू नंदन कन्हैया, बजाए बसुरी हो,
डोला है राधा रमन के यशनवा, डोला है राधा रमन अरे माधव लगे ढारे साचे मगनवा, शारद मैया बजाए बसुरी हो जदू नंदन कन्हैया, बजाए बसुरी हो अवधियो भोजपुरी कविता तमाम हो, भोजपुरी अरे बिरहा जगतिया में कई गईले नाम हो, बजाए बसुरी हो मधु नंदन कन्हैया, बजाए बसुरी हो और बाबूजी यदुवंश शिरोमण पूज्य श्री माधवराम जी ने एक अनुपम काम कर दिया, अलौकिक काम कर दिया। श्याम चरित मानस धरा पे उतारा, श्याम चरित मानस धरा पे अरे कला और साहित्य की बहती धारा, कला और वो काम किया है बाबूजी कि गुरुदेव की लेखनी जब हम पढ़ते हैं तो हम बड़े गर्वान्वित हो जाते हैं। लेकिन बाबूजी समय किसी को छोड़ता नहीं है, अपने में आत्मसात कर लेता है अंततोगत्वा। अरे चारा चले नहीं अरे बिगड़ल समैया, बजाए बसुरी हो जदू नंदन कन्हैया, बजाए बसुरी हो बाईस अगस्त हो, कविता के सूरज भये सजही अस्त हो, कविता के सूरज भये बाबूजी। जिस प्रकार से सूरज अपनी सहस्त्र रश्मियों के साथ पूरे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से कविता के सूरज कविता के भोग कुल शिरोमण माधवराम जी इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अरे कविता के सूरज भये सजही अस्त हो, जी
रैया। अरे अपन कोठारी तज दिहली चिरैया, बजाए बसूरी हो जदू नंदन कन्हैया, बजाए बसूरी हो जदू। दुआरे पे भिड़िया हजारन में छाई, दुआरे पे अरे श्रद्धा सुमन रहे चरण पे चढ़ाई, बाबूजी श्रद्धा सुमन समर्पित करते समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा कि जिसके आंखों से सावन न बरस पड़ा हो। अरे श्रद्धा सुमन रहे चरण पे चढ़ाई, अरे सब ही आँख में असुईया, अरे सबही फफकी रोवे आँख में असुईया, बजावे बसूरी हो जदू नंदन कन्हैया, बजावे बसूरी हो जदू। बाबूजी आज देखें राणा की कलम भी रो रही है, राणा का हृदय रो रहा है, और उनके आप तो कलम के सिपाही रहे ही, लेकिन आप जाते जाते हमें एक दूसरा कलम का सिपाही दे दिया, और तमाम ऐसे कलम के सिपाही आपके अखाड़े में हैं। हर किसी का नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ कवियों के नाम आखिरी में जरूर लूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए आपके ही सदृश पूज्य हैं। क्या कहते हुए राणा की कलम रो पड़ी, आइए देखें। अरे गुरु हमका अनाथ हरे बनाई गईले, गुरु हमका अनाथ बनाई गईले, हमारे जनपद कहीरा हराय गईले, हमारे जनपद कहीरा हराय गईले। कहना है कि पूरे सुल्तानपुर के मणि हैं आप, हीरा हैं, और आपके अखाड़े का नाम रोशन करने वाले हमारे दो गुरु भाई सबसे पहले हुए, जिनका नाम है पहले नंबर पे महंगू राम। उन्होंने बहुत दूर दूर तक आपकी कविताई और ज्ञान की ज्योति फैलाई, और उसके बाद बड़े भाई बिरहा सम्राट जिनको कहा जाता है श्री छविलाल पाल, तमाम अवधि गीतों से हमें हमारे अखाड़े को और आपके नाम को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। ऐसे गुरु भाइयों को सत सत नमन है। कि गुरु हमका अभागा बनाई गईले, और हमारे जनपद कही राहराई गईले, हमारे जनपद कही
कविता के भूप हमें की लबे गाना, कविता के भूप हमें तोहरे बिना हमरी बगिया बिराना, तोहरे बिना हमरी बगिया सुखाई गई ले हमरे जनपद कही राह राय गई ले, दूसरे बंद में बाबूजी लिखनी क्या कहती है। यहाँ तो हमें ऐसा लगता है कि ये शब्द कहते कहते बाबूजी हर कोई रो पड़ा होगा। हर गुरु भाई श्रद्धांजलि गीत गाते समय अपनी आंखों से नीर जरूर बरसाया होगा। पुत्रवत स्नेह आप कहना भुलाई, पुत्रवत स्नेह आप कहना भुलाई, शिक्षा दीक्षा के कर्ज कैसे चुकाई, शिक्षा दीक्षा के कर्ज कैसे चुकाई, शिक्षा दीक्षा के कर्ज कैसे चुकाई। कहना है गुरुदेव आपने सदैव अपने शिष्यों से पुत्रवत स्नेह किया है, प्यार दुलार दिया है। आपने हमें वो शिक्षा सिखाई है कि हर शिष्य आपके गीत के माध्यम से अपनी जीविका चला ले रहा है, और वो आपका स्नेह हम कैसे भूले ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे आधुनिक युग के प्यास आप तो कहाई गई ले और हमारे जनपद कही राह राय गई ले। अगले बंद है डर है कतौ सूखे न कविता के क्यारी, डर है कतौ सूखे न कविता के क्यारी, डर है कतौ सूखे न अरे माली बिना रोवे हमारी फुलवारी, माली बिना रोवे में गुलशन गमे गुलशन में गुल सब मुरझाई गई ले और हमारे जनपद कही राह राय गई ले। आपकी कलम पे भीड़ा वाली का सवारी, आपकी कलम पे भीड़ा वाली का सवारी, श्याम चरित मानस बाँटे दुनिया सारी, श्याम चरित मानस बड़ा सुंदर भाव है।
कि गौरव जिला के बढ़ाई गई ले। धन है हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमारे सुल्तानपुर जिले का गौरव बढ़ा दिया। धन है वो जन्म देने वाली उनकी माँ अर्थात हम शिष्यों की गुरुमाता जिनकी पावन कोख से आप जैसे महान पुरुष का जन्म हुआ। गौरव जिला के बढ़ाई गई ले हमारे जनपद के हीरा हराई गई ले परमानंद राणा के चूमे चरणवा पागल नयनवा परमानंद राणा के चूमे चरणवा लुप्त सुघर मूरत भय पागल नयनवा। आज वो सुंदर मूर्ति बाबूजी इस दुनिया से सदैव के लिए गायब हो गई और सबके नयन पागल होकर के उनके दर्शन को तरस रहे। अरे माधव माधव अरे समाई गई ले और हमारे जनपद के हीरा हराई गई ले बड़ी सुंदर टेरी है। अरे मानस का जो पैगाम दे गई हरे मानस का जो पैगाम दे गई कि कविता माधव राम की कलम को कर सलाम हो मानस का जो पैगाम दे गई की कविता माधव राम की कलम को करे सलाम हो मनस का जो पैगाम दे गई जी। इतने सुंदर लेखनी है कि मानस का जो पैगाम दे गई। आखिरी में देखें गुरु घराने का परिचय देते हुए कि परमानंद यादव की गुरुवर परमानंद यादव की गुरुवर तुम्ही बचाना साख कि जय जय नारायण राम जसु अरे नागेंद्र अजय अभिलाख हो मानस का जो पैगाम दे गई किराना राह गोरे गया नयन अभिराम हो मानस का जो पैगाम दे गई अंत में एक बार पुनः परम श्रद्धे परम पूजनीय गुरुदेव आधुनिक युग के व्यास श्याम चरित मानस के जन्मदाता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने सभी गुरु भाइयों को और समस्त श्रोतागण को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।